जब मैं छोटा था तो मेरे को लगता था कि यार ये पढ़ाई नाम की चीज किसने बनाई है। उस वक्त ये लगता था कि अगर जिंदगी में सबसे मुश्किल कोई समय है ना तो वो है स्टूडेंट लाइफ। इफ यू आर ए स्टूडेंट देन यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टफ इज इट टू लिव लाइक ए स्टूडेंट। इतना सारा असाइनमेंट, इतनी सारी एग्जाम्स, रिजल्ट से इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस और फिर उन एक्सपेक्टेशंस का टूटना। स्टूडेंट लाइफ बहुत टफ होती है, राइट? हर किसी स्टूडेंट को यही लगता है। डेली सुबह मोबाइल के अलार्म पर जगना, नहाना धोना, तैयार होना, स्कूल कॉलेज जाना, कोचिंग जाना, लाइब्रेरी जाना और फिर लास्ट में माँ बाप की डांट भी सुनना। स्टूडेंट लाइफ का सबसे बड़ा सपना ये होता है कि यार कैसे भी करके बस इस पढ़ाई से पीछा छूट जाए। हम हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि वो दिन कब आएगा जब मैं इस पढ़ाई से पूरी तरह से फ्री हो जाऊंगा, मुझे कुछ पढ़ने की या कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरी बात का यकीन मानना मेरे दोस्त, ये जो विद्यार्थी जीवन है ना, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय है, तुम्हारी जिंदगी का सबसे आसान समय है, ये सबसे इजी। मैं तुम्हें आने वाली जिंदगी से डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये समझा रहा हूँ कि जो मौका आज आपके पास में है ना, जो समय आज आपके पास में है, जो सामर्थ्य आज आपके शरीर में और आपके विचारों में है, वो दिन ब दिन कम होता जाएगा और कम होता जा रहा है, क्योंकि हर रात को आपकी लाइफ से एक और दिन कम हो जाता है और आप एक दिन बूढ़े हो जाते हो। इसलिए अगर आज आप एक स्टूडेंट हो तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे गुण बताने जा रहा हूँ जो आप अपनी स्टूडेंट लाइफ से सीख सकते हो, और वो 5 गुण आपकी पूरी जिंदगी में कदम कदम पर काम आएंगे। इन 5 बातों को ना गांठ मार लेना। गुण नंबर 1 जो आपको विद्यार्थी जीवन में सीखना चाहिए, यू हैव टू बिकम लाइफ टाइम लर्नर। लर्नर का मतलब होता है सीखने वाला। आज आप एक स्टूडेंट हो मतलब आप एक लर्नर हो। आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ता है, कोई रिएक्शन सीखनी पड़ती है, कोई फॉर्मूला याद करना पड़ता है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो। आपको हर दिन नए नए टॉपिक सीखने पड़ते हैं, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो। आपके टीचर्स जो आपको सिखाते हैं ना, वो आपको सीखना पड़ता है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो। स्टूडेंट की पहचान होती है सीखने से। ये जो सीखना पड़ता है ना, ये मजबूरी लगती है आपको। इसको जितना जल्दी अपनी आदत बना लोगे, जितना जल्दी अपनी इच्छा से सीखना शुरू करोगे ना, बहुत फायदे में रहोगे। क्योंकि अगर आपने आज सीखने की आदत बना ली तो आपके ये लाइफ में कदम कदम पर काम आने वाली है। क्योंकि आज आपको टीचर सिखाते हैं, कल को आपको जिंदगी सिखाएगी। क्योंकि अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई टीचर है ना, तो वो माँ के बाद में जिंदगी ही होती है। माँ तो जिंदगी से भी बड़ी होती है, क्योंकि माँ की दी हुई सीख तो जिंदगी के बुरे से बुरे वक्त को भी हरा सकती है। लेकिन ये जो जिंदगी है ना, वो भी कमाल की टीचर है। कदम कदम पर आपको नए नए चैप्टर सिखाएगी ये जिंदगी। आपको हर हालात में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और ये जो सीखने का नजरिया है ना, अगर ये आपने आज पाल लिया तो आपको कोई भी समस्या नहीं लगेगी। क्योंकि आपको पता रहेगा कि ये जो समस्या है ना, वो समस्या नहीं बल्कि एक सीख है, एक चैप्टर है लाइफ का जो आपको सिखाना चाह रही है। और आप वहां पर कुछ सीख कर ही आगे बढ़ोगे। जो बड़े बड़े लोग हैं ना, महान लोग हुए हैं, वो लाइफ टाइम लर्नर्स रहे हैं। उनको जहां से भी सीखने को मिला उन्होंने सीखा है, चाहे किताबें हो चाहे दुश्मन हो। अगर कहीं से सीखने का मौका मिले तो जरूर सीखें। ये जो हमेशा सीखते रहने का गुण है ना, वो आपको जिंदगी भर काम आता रहेगा, और उसकी शुरुआत होती है आज से, इसी स्टूडेंट लाइफ से। अब बात करते हैं गुण नंबर 2 की, जो आपको आज एज ए स्टूडेंट अपनी लाइफ में डाल लेना चाहिए। फोकस ऑन इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ऑफ योर लाइफ। जब आपके टीचर्स आपको क्लास में पढ़ा रहे होते हैं ना, तो वो आपको बीच बीच में बताते रहते हैं कि भैया ये जो चैप्टर है ना, वो इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर को ठीक से नहीं समझोगे ना, तो इसके बाद के चैप्टर्स भी नहीं समझ पाओगे। लाइफ भी बहुत सारे चैप्टर से होके गुजरती है, एक के बाद एक नए चैप्टर आपकी लाइफ में आते रहेंगे। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होगी ना कि आपको बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, डू और डाई की सिचुएशन होगी। और ये सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं बल्कि सबकी लाइफ में रहेगी। आपकी जिंदगी जब भी किसी इम्पोर्टेंट चैप्टर से गुजर रही हो ना, किसी भी इम्पोर्टेंट फेज से गुजर रही हो, तो आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट रहने की जरूरत है, आपको ईमानदार रहने की जरूरत है, आपको फोकस्ड रहने की जरूरत है। क्योंकि ये वो वक्त होगा जब आपका हर एक सेकंड, आपका हर एक विचार आपके लिए उस वक्त में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है उस टाइम के बाद आपकी लाइफ में थोड़ा रिलैक्स वाला टाइम आ जाए, तब आप आराम कर सकते हो। लेकिन जब जरूरत हो ना मेहनत करने की, कोशिश करने की, तब आपको कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए और अपने समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा को तय करते हैं, हमारी पूरी जिंदगी की पिक्चर को बदल के रख सकते हैं। वो कुछ मोमेंट्स, वो कुछ डिसीजन के मोमेंट, वो कुछ जो खास स्पेशल चैप्टर्स होते हैं ना, वो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। इसलिए जरूरत पड़ने पर मुश्किल से मुश्किल समय में भी आपको अपनी जिंदगी पर फोकस करना चाहिए। गुण नंबर 5 जो आपको आज विद्यार्थी जीवन में सीखना चाहिए, यू आर द अलोन फाइटर। कोई आपको कितना ही सिखा दे, लेकिन परीक्षा की घड़ी में ना, समय आपको सबसे अलग कर देगा। स्टूडेंट लाइफ में आप पूरे साल भर पूरी क्लास के साथ बैठकर पढ़ते हो, आपके टीचर साथ में होते हैं, आपके फ्रेंड साथ में होते हैं, आपके पेरेंट्स साथ में होते हैं, आपका कोई भी डाउट होता है ना, तो वो सब क्लियर करते हैं। आप साथ में पढ़ते हो, खेलते हो, घूमते हो, मस्ती करते हो। लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आती ना भाई, तो आपको अलग कर दिया जाता है। पूरे 300 दिन आप साल में सबके साथ में रहते हो, लेकिन जो लास्ट के 3 घंटे होते हैं, केवल 3 घंटे, वो जो परीक्षा की घड़ी है, उसमें आपको अलग कर दिया जाएगा। और उस 3 घंटे की परीक्षा में आपकी पूरी साल का निचोड़ होगा। जिंदगी में भी अक्सर यही होता है, जब भी लाइफ में परीक्षा की घड़ी आती है ना, आप अपने आप को अकेला पाओगे,
आपके हालात आपको अकेले कर चुके होंगे या फिर आपके सगे संबंधी या आपके दोस्त आपको छोड़कर चले जाएंगे। बट आपको याद रखना होगा कि जब भी मुश्किलों का दौर आपको चारों तरफ से घेर ले, इट मींस कि जिंदगी ने अपना क्वेश्चन पेपर डाल दिया। अब आपको इसको सॉल्व करना है। इसमें पास हो जाओगे ना तो आपको फिर से अपने दोस्त, सगे संबंधी और खुशियां फिर से हासिल हो जाएगी। और नहीं भी होती हासिल, नहीं भी पास हो पाते हो कोशिश करने के बाद भी, तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर से आपको परीक्षा देना पड़ेगा, फिर से एक बार कोशिश करनी पड़ेगी। और अगर अपनी लाइफ में गुण नंबर 1 यानी कि लाइफ टाइम लर्नर्स को ध्यान से आपने फॉलो किया होगा तो आप उस कुछ दिनों की परीक्षा को या कुछ महीनों की परीक्षा को बड़ी आसानी से पास कर जाओगे। जिंदगी में जब जब मुश्किल की घड़ी आती ना और आप अगर अकेलापन महसूस करो, इट मींस कि यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू प्रूव कि आप जिंदगी के एक बेहतरीन खिलाड़ी हो। इसलिए आज स्टूडेंट लाइफ में ये गुण बनाइए कि जिस तरह से आप परीक्षा में अकेले बैठ करके आंसर लिखते हो ना, उसी तरह से हर मुसीबत की घड़ी में लड़ना सीखो, अकेले हिम्मत से काम लेना सीखो। बढ़ते हैं गुण नंबर 4 की, जो आपको स्टूडेंट लाइफ में सीखना चाहिए और जो कि आपकी पूरी लाइफ में काम आएगा। गुण नंबर 4, हार और जीत की वैलिडिटी ज्यादा दिनों तक नहीं रहती है। हार और जीत की वैलिडिटी तब तक ही रहती है जब तक कि आपकी अगली एग्जाम का रिजल्ट ना आ जाए। समझ गए होंगे आप कि लाइफ में नथिंग इज परमानेंट। परमानेंट रूल तो एक ही है कि जो पैदा होता है ना वो मरता जरूर है, बस यही एक सार्वभौमिक सत्य है। अदरवाइज सब कुछ टेम्पररी है और एक पहिए की तरह घूम घूम कर बदल बदल कर आपके पास में आता रहता है। जिंदगी बहुरूपिया है, अपने अलग अलग रंग दिखाइए आपको और वही समय आपके पास में अलग अलग तरीके से वापस आता रहेगा। कभी खुशी आएगी, कभी गम आएगा। देयर इज अ सर्किल ऑफ विन एंड लॉस ऑल्सो, एक और सर्किल अपनी लाइफ के अंदर विन और लॉस का, हार और जीत का। अगर आप किसी क्लास में फेल हो जाते हो ना तो आप फेल तब तक ही माने जाओगे जब तक कि आप सेम उसी एग्जाम में अगली बार पास ना हो जाओ, उसके बाद में आप पास माने जाओगे। अगर आप लाइफ में किसी काम को करने में असफल हो जाओगे ना तो तब तक ही असफल माने जाओगे जब तक आप उस काम को दोबारा करके उसमें सफल ना हो जाओ। जो भी आपका रिसेंट स्टेटस होगा ना वो तब तक ही वैलिड होगा जब तक नया रिजल्ट ना आ जाए, और ये सिक्वेंस ऐसे चलती रहती है। पास होना भी परमानेंट नहीं और फेल होना भी परमानेंट नहीं है। अगर आप एक बार हार कर अगली बार बहुत शानदार जीत हासिल कर लोगे ना तो लोग आपकी स्टोरी को बहुत ज्यादा मोटिवेटेड मानेंगे। आज आपको विद्यार्थी जीवन में ये सीखना पड़ेगा कि चाहे आपकी हार हो चाहे जीत हो, आपको कभी भी इन चीजों को दिल और दिमाग में नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि हार जीत तो ऐसे ही आते जाते रहते। आपको केवल और केवल खुद के नाम पर ध्यान देना चाहिए। गुण नंबर 5, जो आपको स्टूडेंट लाइफ में सीखना चाहिए और आपके जिंदगी भर वो काम आएगा, वो है कि चेंज इज द रूल ऑफ लाइफ। जब आप नर्सरी में थे ना तब आपके टीचर्स अलग थे, या फिर आपकी स्कूल अलग थी, या फिर आपकी बुक्स अलग थी। आज आपके टीचर्स बदल गए, स्कूल बदल गई है, या फिर कम से कम आपकी बुक्स तो बदली गई होंगी, हर साल बदलती रहती है। जो बदलाव आपकी स्टूडेंट लाइफ में हर रोज होता है ना, वो बदलाव आपकी जिंदगी में स्टूडेंट लाइफ के बाद भी ऐसे चलता रहता है। एक इंसान की जिंदगी में बदलाव के दौर तब तक नहीं रुकते जब तक कि वो मर नहीं जाता। चेंज इज द वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर यूनिवर्स, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट रूल ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है चेंज, बदलाव। कई बार बदलाव अपने आप होते जाते हैं और कई बार हमें खुद बदलाव करने पड़ते हैं किसी अच्छे और किसी बड़े रीजन की वजह से। जो बदलाव आप इस दुनिया में करना चाहते हैं ना, वो बदलाव सबसे पहले अपने अंदर कीजिए, तभी आप दुनिया को बदल सकते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ को बदलना है तो आपको अपने विचारों में बदलाव करना पड़ेगा, आपकी आदतों में बदलाव करना पड़ेगा, आपके माहौल में बदलाव करना पड़ेगा, अपनी संगत में बदलाव करना पड़ेगा। छोटे छोटे चेंजेस है ना, आप बड़ा चेंज ला सकते हो इस दुनिया में, आपकी जिंदगी में क्या, आप इस दुनिया में भी आप बड़ा चेंज ला सकते हो। इस बदलाव के नियम को आज ही आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ में सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपके लाइफ टाइम काम आएगा। ये थे इस वीडियो के 5 वो गुण जो आज आपको विद्यार्थी जीवन में सीखने की जरूरत है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको इनको सीखना पड़ेगा और हमेशा याद रखना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए और देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम भी कीजिए।